डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरल मैथ क्लासेस। आज हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं कि हरियाणा सरकार ने, जो हरियाणा बोर्ड है शिक्षा का, BSEH यानी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, उसने अपने जो सिलेबस है उसमें कटौती की है। तो उस कटौती को ध्यान में रखते हुए आज मैथ का जो सिलेबस है उसमें क्या क्या कटौती की है, कौन सी एक्सरसाइज कटौती की है, नौवीं से लेकर और बारहवीं तक, 9th क्लास से 12th क्लास तक, तो उसको आप ध्यान से आप देखेंगे एक बार। जैसे 10th क्लास का हम लेते हैं, उसमें चैप्टर वाइज और टॉपिक जो रिमूव किए हैं वो आप देखेंगे। जैसे फर्स्ट चैप्टर है उसमें एक्सरसाइज 1.1 यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये रिमूव किया है। 2.3 एक्सरसाइज सेकंड चैप्टर जो है उसमें 2.3, और थर्ड चैप्टर में 3.5 है, और फोर्थ चैप्टर में 4.4, और फिफ्थ चैप्टर में 5.3, और सेवन्थ चैप्टर में 7.3 एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज बता रहा हूँ मैं। तो छठा चैप्टर में इसमें दिया इसने 6.4 एक्सरसाइज, और 11th चैप्टर में 11.1 एक्सरसाइज, और 8th चैप्टर में है 8.2 और 8.3 एक्सरसाइज, और 9th चैप्टर में कोई कटौती नहीं की है और ना ही 10th चैप्टर में कटौती की है। और आगे इसमें है 11th चैप्टर में तो बता दिया आपको जैसे, और 12th चैप्टर में भी कोई कटौती नहीं है, 13th चैप्टर में 13.4 एक्सरसाइज ये कटौती की है, और 14 चैप्टर एज इट इज है। क्लास 11th में इसमें जो चैप्टर वाइज रिडक्शन किया है, इसमें रिड्यूस्ड किया है यानी कटौती की है, उसमें एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और एक्सरसाइज 1.5 चैप्टर फर्स्ट में। चैप्टर सेकंड में है एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और एक्सरसाइज 2.3। थर्ड चैप्टर में एक्सरसाइज 3.4 और जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यानी चैप्टर 4 है वो पूरा डिलीट किया गया है, और चैप्टर नंबर 5 में 5.2 एक्सरसाइज और 5.3 एक्सरसाइज। और आगे इसमें है सेवन्थ चैप्टर, सिक्स चैप्टर में कोई कटौती नहीं है, सेवन्थ चैप्टर में है एक्सरसाइज 7.3, और एट्थ चैप्टर जो है बाइनोमियल थ्योरम का वो पूरा डिलीट किया गया है, और नाइन्थ चैप्टर जो है उसमें एक्सरसाइज है 9.4, टेंथ चैप्टर में है 10.3 एक्सरसाइज, और इलेवन चैप्टर में कोई कटौती नहीं है। आगे फिर और जो मैथमेटिकल रीजनिंग है वो पूरा चैप्टर डिलीट किया गया है, 14 चैप्टर हमारा आगे। और आगे है स्टेटिक्स, सांख्यिकी में, सांख्यिकी में एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता जो है डिस्ट्रीब्यूशन, उसको वो डिलीट किया गया है, और प्रोबेबिलिटी में इसमें सेट थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी और कनेक्शन विद थ्योरीज ऑफ अर्लियर क्लासेस ये डिलीट किया गया है। क्लास 12th में जो चैप्टर वाइज डिडक्शन है उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें कंपोजिट फंक्शन और इनवर्स ऑफ ए फंक्शन ये डिलीट किया है, और सेकंड चैप्टर में ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ग्राफ उसका वो डिलीट किया है, और एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ये डिलीट किया है, और चैप्टर नंबर 3 में एक्सरसाइज 3.4 डिलीट की है ये, और डिटरमिनेंट 4th चैप्टर में 4.2 और 4.6 एक्सरसाइज डिलीट की हैं, 5th चैप्टर में 5.8 एक्सरसाइज, और 6th चैप्टर में 6.1 और 6.4, 7th चैप्टर में 7.7 और 7.8 एक्सरसाइज, और 8th चैप्टर में 8.2, और 9th चैप्टर में 9.2 और 9.6 एक्सरसाइज, और 10th चैप्टर में 10.3 और 11th चैप्टर में 11.3, और 12 में लीनियर प्रोग्रामिंग में मैथमेटिकल फार्मूला ऑफ LPP और अनबाउंडेड ये डिलीट किया है, और
लास्ट जो प्रोबेबिलिटी है उसमें 13.4 एक्सरसाइज इसमें रिलेट की है। आगे नाइन्थ जो क्लास है उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, उसमें जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है वो देख लेंगे इसमें। और पॉलिनोमियल बहुपद में ज़्यादा कटौती नहीं है, उसमें सिर्फ एक फार्मूला है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड, उसका यूज जो है वो डिलीट किया है, और एक रिमाइंडर थ्योरम वो डिलीट की है, और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अगले चैप्टर में जो है एग्जाम्पल इसके, और प्रॉब्लम ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात और समानुपात के जो बेस्ड प्रॉब्लम है वो डिलीट किए हैं, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति इसमें कोई डिलीशन नहीं है, और पूरा चैप्टर डिलीट है हमारा इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, ये पूरा चैप्टर डिलीट किया गया है, और रेखाएं और कोण इसमें कोई डिलीट नहीं है, ट्रायंगल्स वाले चैप्टर में त्रिभुज वाले में। इसमें एक तो है प्रूफ ऑफ थ्योरम जो प्रमेय है उनका प्रूफ जो है वो, और टू ट्रायंगल्स आर कंग्रुएंट इफ एनी टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू टू एंगल्स एंड द इंक्लूड साइड्स ऑफ द अदर ट्रायंगल्स, यानी ASA वो डिलीट किया है। और दूसरा इसमें है ट्रायंगल इक्वलिटीज एंड रिलेशन बिटवीन एंगल एंड फेसिंग साइड, वो वाला डिलीट किया है इसमें। क्वाड्रिलेटरल 8 चैप्टर में कोई डिलीट नहीं किया है, एरिया वाले में पूरा चैप्टर डिलीट किया इसने क्षेत्रफल वाला, और सर्कल वृत्त वाला, वृत्त में है इसमें कहता है कि एक और केवल एक सर्कल जो है पास थ्रू होता है थ्री गिवन पॉइंट से, तीन असंरेख बिंदुओं से, तो वो डिलीट कर दिया है इसने। तो इसमें कुछ टॉपिक्स दिए हैं जो डिलीट किए हैं सर्कल्स में, और इफ़ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स सबटेंडेड इक्वल एंगल एंड टू अदर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन कंटेनिंग द सेगमेंट द फोर पॉइंट्स लाई ऑन ए सर्कल। कंस्ट्रक्शन रचनाओं में कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रायंगल ऑफ गिवन पैरामीटर एंड बेस एरिया, बेस एंगल यानी उसका परिमाप और आधार का जो एंगल होता है वो डिलीट किया इसने। मेंसुरेशन में कोडिलीशन नहीं है उसमें, आगे देख रखा एरिया क्षेत्रफल में। एप्लीकेशन ऑफ हिरोन फार्मूला, हिरोन इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, हिरोन फार्मूला जो है उसमें, और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्षेत्रफल और आयतन उसमें कोडिलीट नहीं है। स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स में कहता है हिस्टोग्राम डिलीट किया, एक तो एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बारंबारता बहुभुज, और मीन मीडियन मोड और अनग्रुप डाटा, और प्रोबेबिलिटी यू का है उसमें कोई डिलीट नहीं है। तो ये आपके लिए इसमें जो चैप्टर वाइज डिलीट किए हैं, तो इस वजह से आप क्योंकि कोरोना में आप इनकी तैयारी करेंगे, आगे जो एग्ज़ाम में आएंगे उसी वजह से आप इसका सिलेबस तैयार करेंगे। थैंक यू।